बलौदाबाजार भाटापारा जिले के ग्राम पंचायत कटगी में शराब दुकानों की वजह से बेटियों की पढ़ाई बाधित हो रही है। कटगी ग्राम पंचायत में कई बेटियां शराब की दुकान से परेशान हैं। उनका कहना है कि स्कूल जाने के रास्ते में शराब की दुकान पड़ती है, जिससे उन्हें स्कूल आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना रोजाना करना पड़ता है। कई छात्राएं इस वजह से इस स्कूल में पढ़ना नहीं चाहती। यही वजह है कि छात्राओं ने स्कूल के रास्ते से शराब दुकान को हटाने की मांग कर डाली है। उन्होंने कलेक्टर को इस बात को लेकर लिखित आवेदन भी दिया है। आवेदन देने वाली छात्राओं ने कहा कि अगर शराब दुकान को नहीं हटाया गया तो वो स्कूल आना बंद कर देंगी। इस पूरे मामले में कलेक्टर कुमार लाल चौहान ने गंभीरता से जांच करवाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि मैं इस पर संज्ञान लेकर तत्काल इसकी जाँच करवाता हूँ। हम लोग ना शराब की दुकान बंद कराने के लिए आए हैं। जब हम लोग स्कूल जाते हैं ना तो वहाँ से गुजरते हैं तो वहाँ पे शराबी दारू वगैरह पी के ना गाली गलौज करते हैं, छेड़ते हैं, कितने बार मतलब मारे वारे बहुत कुछ हुआ है। बोले हैं कि काम हो जाएगा करके, अब होता है कि नहीं। एक बार और आए थे तो नहीं किए काम, और आएंगे, नहीं होगा तो पढ़ना छोड़ बंद करेंगे। के बच्चे लोग आए थे, कटगी के बच्चे आए थे मेरे पास, तो जिला आबकारी अधिकारी को समक्ष में बुला करके मैंने उनको निर्देश कर दिया तत्काल स्थल निरीक्षण करें, जाँच करें, और सही में उसमें पब्लिक का बाधा उत्पन्न हो रहा हो तो निश्चित रूप से उसमें आगे की कार्रवाई करेंगे। उसमें शिफ्टिंग की कार्रवाई होती है जनरली, ऐसे जगह पे किया जाए जहाँ पे लोगों को लोग बाधा उत्पन्न ना हो।